बढ़ते अपराधों में अहम भूमिका निभाने वाले नशे के खिलाफ दुर्ग जिले के ग्राम पतोरा में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत कल्याणी समूह के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्राम की महिलाओं के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने अपनी उपस्थिति देकर महिलाओं को नशे के खिलाफ अभियान में जुड़ने के लिए काफी जागरूक किया। इस दौरान ग्राम पतोरा सरपंच अनीता साहू ने महिलाओं को नशे के खिलाफ इस मुहिम में आवश्यक रूप से जुड़कर ग्राम पतोरा को नशा मुक्त ग्राम बनाने की अपील भी की, जिसके बाद गांव की महिलाओं ने भी इस मुहिम में जुड़कर गांव को नशे से मुक्त करने की शपथ भी ली। आपको बता दें कि पूर्व में भी ग्राम पंचायत पतोरा को स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान भी किया गया है, जिसके बाद बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने गांव के लोगों के द्वारा नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। पंचायत पतोरा में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। कैसे आप, चूंकि नशा एक बहुत जटिल समस्या है, एक चैलेंजिंग है आपके ऊपर, कैसे इसको आप देखते हैं? ये हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे ग्राम पतोरा में नशा मुक्त के लिए अभियान चलाया जाएगा। शुरुआत तो कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र से किया जा रहा है, यहाँ से जो हमारे गांव के लिए जैसे बच्चे से लेकर आज बूढ़े तक जो नशे से ग्रसित हैं उनके लिए बहुत बड़ा संकेत है। और उसमें हमारे गांव से सभी सहयोग मिला जा रहा है सबसे, जैसे कि अभी भारत माता वाहिनी दीदियों के द्वारा सहयोग मिला जा रहा है, मितानिन दीदियों के द्वारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदियों के द्वारा, समूह के माध्यम से। तो इस प्रकार से हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। अपराधों में एक बड़ी भूमिका नशे की दिखाई देती है, तो कैसा मानते हैं, किस तरीके से दूर किया जा सकता है? एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। नशा जो है वो मस्तिष्क को बिल्कुल प्रभावित कर देता है और उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं से आपराधिक गतिविधियों में भी चला जाता है। तो एक बहुत बड़ी भूमिका होती है नशे की आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने में। आप देखिएगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति और स्वच्छ व्यक्ति कभी भी बहुत जल्दी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता, लेकिन एक नशे में ग्रस्त जो व्यक्ति है वो किसी पर भी कोई भी आक्रमण कर देता है। तो बहुत बड़ी भूमिका नशा इसमें निभाता है। कल्याणी संस्था के द्वारा आज नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई ग्राम पंचायत, क्या कुछ उद्देश्य है, लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? चैलेंजिंग का टाइम है, कैसे आप जागरूक करेंगे? कल्याणी संस्था विगत 18 वर्षों से नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रही है और आज ग्राम पंचायत पतोरा में हम लोगों ने नशा मुक्ति को लेकर कि नशे की अधिकता दिन पे दिन बढ़ते जा रही है और जो नशा करने की उम्र कम होते जा रही है। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि पहले यूथ नशा करता था, अब किड्स तक बात आ गई है। के रूप में आप शामिल हुए हैं नशा मुक्ति कार्यक्रम में, क्या कुछ उद्देश्य रहा सर? ग्राम पंचायत पतोरा में कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र के द्वारा आज कार्यक्रम नशा मुक्त भारत के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत पतोरा में जो नशा पान करने वाले हैं उनके उन पर अध्ययन किया जाएगा, क्या कारण है, कैसे हैं, कुछ क्वेश्चनायर हैं इनके, जिस पर सर्वे करके ये टीम उस निष्कर्ष पर पहुंचेगी, उस जड़ तक पहुंचेगी और उसको दूर करने का प्रयास करेगी। यहाँ की भारत वाहिनी की सदस्य बहनें और ग्राम पंचायत की पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, इनको सपोर्ट कर रही है। ये एक अच्छा प्रयास है कि हम अपने ग्राम पंचायत को नशा मुक्त ग्राम पंचायत करें, ये लोगों को प्रेरित करें, जागरूक करें कि नशे से दूर।